डिफरेंट प्रोफेसर्स के इस वक्त मैं गेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, और ज़ाहिर है ये सब चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आ ही सकती हैं, कोई लिखा नहीं होता क्वेश्चन में। अब ये बात सब बच्चे कहते हैं ना, सर ये तो NET के टेस्ट में आया था तो नर्स में कैसे आएगा? बिल्कुल आ सकता है, डॉ में भी आ सकता है, सेकेंड ईयर में कराची में आ सकता है, फेडरल में आ सकता है, ए लेवल में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है यार। C6H5 है, C00 है, फिर C के साथ एक CH2, फिर एक CH2, फिर CH3। तो काफ़ी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। न्यू व्यूअर्स देख लें कि भाई हमारी पूरी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पास पेपर सॉल्यूशन की भी, सब मौजूद है। ऐसा जब हो तो यार ये ईस्टर ग्रुप होता है और इतने के साथ OH का प्रेफिक्स आता है, चार कार्बन है तो ब्यूटा नो एट। और C6H5 को क्या कहते हैं भाई? फिनाइल कहते हैं, फिनाइल ब्यूटा नो एट। देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, दूसरे पे मिथॉक्सी है, थ्री पे हाइड्रोक्सी है, टू पे मिथॉक्सी, थ्री पे हाइड्रोक्सी, 1,4-pentanol, 1,4-pentanol, 1,4-pentanol। यहां देखें, 1, 2, 3, सेकंड वाले पे अमाइनो भी है, सेकंड पे मिथाइल भी है, 2-amino-2-methyl-propane, 2-amino-2-methyl-propane। यहां देखें 1, 2, 3 और 4, 3 वाले पे मिथाइल है और 3 पे ईन भी है भाई, तो 3-methyl-3-ene और 2-butano। ऑफ कोर्स कीटोन ग्रुप को प्रेफर करते हैं हम डबल बॉन्ड पे, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे वीडियो मैंने कल भी डाली है, आपको मिल जाएगी बहुत डिटेल में, तो उसमें लिखा है कौन से ग्रुप को किस पे प्रेफर करते हैं, सारे नाम हो गए आराम से। मज़ीद प्रैक्टिस कराते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक आपका पेपर है। थैंक्स अ लॉट।